यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में स्वामी रामदेव पर तत्काल कार्यवाही कर गिरफ्तार करने को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पतंजलि के गेट पर पहुंच कर रहे विरोध प्रदर्शन, लाल रामदेव मुर्दाबाद के लगा रहे नारे, बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर कर रहे नारेबाजी, एलोपैथिक प्रणाली पर की गई बाबा रामदेव की विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में बाबा रामदेव के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन, पतंजलि योगपीठ के गेट पर पहुंच युवा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव का विरोध करते हुए जमकर किया विरोध प्रदर्शन, बाबा रामदेव की जगह लालार रामदेव के नाम से किनारेबाजी। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए थाना अध्यक्ष भाद्राबाद के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे एलोपैथिक चिकित्सकों के प्रति बाबा रामदेव के विवादित बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कांग्रेस आज पतंजलि गेट के सामने धरना देकर बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। धरना दिया जा रहा है। ये परचूनिया लाला रामदेव जो कि सिकंडी है, चोर है और महाझूठा है, उसके खिलाफ ये धरना आज जो है युवा कांग्रेस ने रखा है। एक और युवा कांग्रेस जो पूरे देश भर में लोगों को दवाई, ऑक्सीजन, उनको राहत सामग्री देने का काम कर रही है। दूसरी ओर ये लाला रामदेव डॉक्टरों का अपमान कर रहा है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, जो हमें बचाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोल रहा है सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए, लोगों को भ्रमित कर रहा है आयुर्वेद के नाम पे। हम आयुर्वेद के साथ हैं पर बाबा रामदेव इसके लाला रामदेव के खिलाफ है। जो ये इसने शिकंड रचा है, जो इसने साजिश रची है इस जनता को गुमराह करने की, जनता को एक डेढ़ महीने इस टॉपिक से भटकाने की, ये एक मिली जुली इनकी साजिश है सरकार की और रामदेव की कि मैं डॉक्टरों के खिलाफ बोलूँगा। एक डेढ़ महीने तक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिकाऊ मीडिया वो दिखाती रहेगी और जो है टीकाकरण पे, राहत सामग्री पे, लोगों की मदद पे, लोगों की मौतों पे, जो लोगों की मौतें हो रही हैं उस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो एक सोचा समझा साजिश है, इस देश की जनता का ये जो है अनादर है जो लाला रामदेव कर रहे हैं। आज इसको युवा कांग्रेस सबक सिखाना ही है। आज हम सांकेतिक रूप से आए हैं, अगर ये पूर्ण रूप से माफ़ी नहीं मांगता और अपनी ये डिक्टेटरशिप, हिटलरशिप बंद नहीं करता तो इसके खिलाफ जो है हम बहिष्कार करने का काम करेंगे, इसके जितने स्टोर हैं उनके बाहर जाके विरोध करने का काम करेंगे और इसकी जालसाजी का हम जो है पर्दाफाश करेंगे।